अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ओफो गजब खुदा का, क्या बात है भाई, कहाँ होती हो तुम आजकल? ना फोन उठाती हो ना नजर आती हो, कहीं तुमने भी खाला जान के साथ साथ नौकरी तो नहीं ढूंढ ली? नौकरी करे मेरे दुश्मन, रूही तो राज करेगी। ए रूही, अब बातों में मत लग जाना, जल्दी से तैयार हो जाना, काम पर भी जाना है। ये मनुस्नी ने बेवक्ती आना था। उफ अल्लाह, क्या हो गया आज दोनों माँ बेटी को? सुबह ही सुबह लग रहा है मिर्ची खा के बैठी हो तुम दोनों। बाहर एक तो खाला जान ने सीधे मुझे जवाब नहीं दिया सलाम का, और अंदर तुम अजीब सी बातें कर रही हो। हाँ तो जाके पूछना अपने भाई से। तुम्हारी मेरी दोस्ती के बीच में भाई कहाँ से आ गया? याद दिलाऊं? पहले रास्ता रोकता और फिर तेरे नंबर से फोन करके तंग करता है मुझे, कमबख्त। आई अल्लाह, रूही वाकई कसम से मुझे नहीं पता था इस बात का। हाँ अंदाजा था मुझे, तभी तो यहाँ खड़ी हो। अल्लाह अकल दे कसम से इरफान भाई को, एक तुम्हें तो मेरी पक्की सहेली हो। हाँ खुद देख, अम्मा को धमकी देकर गया है कि 3 दिन के अंदर पैसे दो वरना फिर कोई तमाशा करेगा। ऐसा कोई करता है क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है रूही, कहीं इरफान भाई का किया धरा मेरे और बच्चों के आगे ना आ जाए। तुम तो जानती हो, अब्बू समझाते समझाते इरफान भाई को कब्र में उतर गए, और अम्मी उनकी तो वो सुनता ही नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि बदकिस्मती से वो मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, ज्यादा दुखी मत हो, बस उसे जाकर एक बात बोल देना कि ये रूही की नजरों में कभी नहीं आ सकता चाहे जो कर ले। क्योंकि तुम्हारी नजरें तो किसी और पे है ना आजकल। अच्छा ये बताओ, इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? बंगले जा रही हूँ अम्मा के साथ। क्यों? उस जिंदगी को महसूस करने जिसके मैं ख्वाब देखा करती थी। तुझे एक चीज दिखाती हूँ, ये देख, कलर देखा है कितना अच्छा है। ये कहाँ से आया तेरे पास? बीबी जी ने दिया है तुझे या फिर तूने? तुझे के शक्ल से मैं चोर लगती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तू चोरनी नहीं पूरी लुटेरन है, लुटेरन। अच्छा मुझे तो दिखा, मैं लगा के तो देखो। चल हट, तेरी औकात नहीं है, बहुत महंगी वाली है, बहुत महंगी वाली। इकबाल आया, बता रहा है कि मूसा का एक्सीडेंट हो गया, हमें फौरन ना अस्पताल पहुंचना है, जल्दी से तैयार हो जा। चला निकला, मैं चादर लेती हूँ। मरी जाए कमबख्त। Thank you.